हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपका यूके का विजिटर वीज़ा लगा है और आप 2024 में यूके विजिट कर रहे हैं, सो ये अपडेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यूके गवर्नमेंट ने एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट चेंज किया है विजिटर वीज़ा के अंदर। तो अगर आपका विजिटर वीज़ा लगा है तो आप विजिटर वीज़ा के ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था एक डिटेल्ड और प्रिसाइज वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। सो ये वीडियो आ चुकी है, वीडियो का एंड तक देखिए, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको समझ आने वाली है कि किस तरीके से आप विजिटर वीज़ा पे वर्क कर सकते हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट रहने वाला है बेसिकली। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 31 जनवरी 2024 से यूके ने कुछ एक्सपेंशंस किए अपने विजिटर वीज़ा के अंदर, जिससे रिलेटेड आप अब काम कर पाओगे, वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर पाओगे। ठीक है, सो वो बेसिकली जो 6 एक्सपेंशंस किए हैं विजिटर वीज़ा के अंदर वो क्या हैं वो हम समझेंगे, जिससे हम किस आप किसी वर्क में पार्टिसिपेट कर सकते हो, काम कर सकते हो बेसिकली यूके के अंदर। सो सबसे पहली अगर बात करें, सो क्लाइंट वर्क एलिजिबिलिटी, यानी आप किन लोगों के लिए काम कर सकते हो। सो फर्स्ट अप वी हैव क्लाइंट वर्क एलिजिबिलिटी। ठीक है, जिसमें आप उसी कंपनी के लिए काम कर सकते हो जिनके ऑफिसेज यूके में और आपकी होम कंट्री में है। ठीक है, जहाँ से आपका वीज़ा इशू हुआ है। वर्क फॉर द क्लाइंट शुड बी स्मॉल पार्ट ऑफ योर एक्टिविटी, यानी कि आप जो काम कर रहे हो एक स्मॉल पार्ट होना चाहिए उस वर्क का। ठीक है, और वही काम आप अपनी होम कंट्री में भी कर रहे हो उससे रिलेटेड काम, ये नहीं कि आप वहाँ पे कुछ और काम करते थे, यहाँ के वहाँ आप ग्राफिक डिज़ाइनर थे, यहाँ पे आके आप लाइक प्लम्बर का काम कर रहे हो या ऐसा कुछ काम कर रहे हो। सो बेसिकली जिस काम से आप रिलेटेड पहले होम कंट्री में काम कर रहे थे उसी से रिलेटेड आपको जॉब करनी है। सो ये क्लाइंट वर्क एलिजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको समझना है। ठीक है, और ये क्रूशल प्रोजेक्ट होना चाहिए कंपनी के लिए। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें, सो वर्किंग फ्रॉम द यूके इज़ द सेकंड पॉइंट। सो इसमें बेसिकली यही है, विजिटर्स विल बी अलाउड टू वर्क फ्रॉम द यूके एज लॉन्ग एज वर्क इज़ नॉट प्राइमरी रीज़न फॉर देयर विजिट, यानी कि आपका प्राइमरी रीज़न काम करना नहीं होना चाहिए। लाइक आपका प्राइमरी रीज़न जो भी आपने अपनी एप्लीकेशन में फिल किया था वो होना चाहिए, लाइक विजिट या फिर मीटिंग फैमिली फ्रेंड्स या बिजनेस, जो भी आपने अपनी प्राइमरी एप्लीकेशन में फिल किया था वो आपका मेन पर्पस ऑफ विजिट होना चाहिए। सो सेकंड एक्सपेंशन ये था। थर्ड चीज के बारे में बात करें, साइंटिस्ट रिसर्चर्स और एकेडमिक्स के बारे में। सो साइंटिस्ट रिसर्चर्स और एकेडमिक्स हैव ऑल्सो रिसीव्ड अ ग्रीन लाइट टू कंडक्ट रिसर्च इन द यूके, यानी कि अब ये लोग अपनी जो फील्ड है उससे रिलेटेड रिसर्च या फिर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ एक्सपेंशन के बारे में बात करें तो एक्सपेंडेड एक्टिविटीज़ फॉर लॉयर्स, यानी कि अब जो लॉयर्स हैं वो भी अब ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, द न्यू चेंजेस परमिट लॉयर्स ऑन विजिटर वीज़ा टू पार्टिसिपेट इन एडिशनल एक्टिविटीज़ इन द यूके। ठीक है, जिसमें वो एडवाइस दे सकते हैं, एक्सपर्ट विटनेसेस बन सकते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर टीचिंग दे सकते हैं। ठीक है, सो ये फोर्थ एक्सपेंशन था। फिफ्थ एक्सपेंशन की बात करें तो पेड इंगेजमेंट फॉर स्पीकर्स। सो बेसिकली जो पेड इंगेजमेंट फॉर स्पीकर्स होता है, जब किसी भी पर्सन को हम किसी दूसरी कंट्री से बुलाते हैं, लेट्स से कोई सुपरस्टार आया उसको हम अपने कॉन्सर्ट में बुलाना चाहते हैं और उसके लिए उसको फीस पे की गई है। ठीक है, सो इस सिनेरियो में भी फॉर आवर स्पीकर्स आउट देयर हेयर सम ग्रेट न्यूज़, स्पीकर्स विजिटिंग द यूके ऑन विजिटर वीज़ा के नाउ रिसीव पेमेंट फॉर देयर टॉक्स, यानी कि वो भाषण दे सकते हैं बेसिकली, यही है। ठीक है, कि वो स्पीचेस दे सकते हैं और रैलीज वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं और उससे पैसा कमा सकते हैं। लास्ट चीज़ के बारे में बात करें, मर्जर ऑफ परमिटेड पेड इंगेजमेंट विजिटर राउट, ये भी वैसा ही है, परमिटेड पेड इंगेजमेंट PPE इसको कहते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये जो राउट है ये इंटीग्रेट हो चुका है स्टैंडर्ड वीज़ा राउट की तरफ। जैसे कि स्टैंडर्ड वीज़ा राउट का मतलब जो हम नॉर्मली वीज़ा लेते थे, ठीक है, जो विजिटर वीज़ा लगता है, जो PPE होता है वो उनके लिए लगता है, जैसे मैंने बताया जिसको पेड पार्टनरशिप मिल रही है यूके में आने के लिए, उसके लिए अलग प्रोसेस और राउट होता था।
बट अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। सो इंडिविजुअल जो भी इंगेज हो रहे हैं पेड एक्टिविटीज में, उनको कोई भी सेपरेट वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और बस उनको 30 डेज पहले अपना अराइवल प्लान करना है, एक्टिविटीज प्लान करनी है, और वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी हो इससे रिलेटेड, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हो आप, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।